और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक टाइम पीरियड होता है जिसमें एग का मैच्योरेशन और एग के बाहर निकलने की प्रोसेस पूरी आती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल सारे प्राइमेट्स में देखने को मिलता है, मंकी, गोरिल्लाज, ह्यूमन बींग्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन बींग्स। ठीक, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग अराउंड 28 या फिर 29 डेज तक का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके तीन प्रोसेस, इसके तीन फेज होते हैं। पहला फेज है आपका मेंस्ट्रुएशन, दूसरा है आपका फॉलिकल फेज, नंबर थर्ड आपका ल्यूटियल फेज। तो देखिए, जो सारी फीमेल्स होती हैं उनकी बॉडी में या फिर उनकी ओवरी में क्या होते हैं, एग्स होते हैं। अब मैं आपको एक बार एक स्टोरी सुनाती हूँ, एग्स की स्टोरी। ठीक है, जब कोई भी फीमेल अपनी मम्मी के वॉर्म में होती है, जब वो अपनी माँ के पेट में होती है, तो उस टाइम से उसकी बॉडी में एग का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एग का फॉर्मेशन हुआ कब, जब वो अपनी मम्मी के पेट पे थी। जब वो पैदा हो गई तो वो फॉर्मेशन रुक गया। ठीक है, क्योंकि वो एग्स में डिविजन नहीं होता उसके बाद। पर जब वो मैच्योरेशन, जब वो प्यूबर्टी की स्टेज में आती है फीमेल, लगभग गर्ल्स में प्यूबर्टी रहती है आपकी 13 से लेकर 16 तक के बीच में। ठीक है, तो जब वो अपनी प्यूबर्टी की स्टेज में आती है, उसका हाइपोथैलेमस ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट होता है, GnRH। आपने मेल बॉडी का पढ़ा था, मैंने आपको बताया टेस्टिस के उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन, तो इसमें बिल्कुल सेम है। हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड से GnRH हार्मोन सिक्रीट होता है, जो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और वो क्या करेगा, बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन को, या फिर सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड LH और FSH हार्मोन को सिक्रीट करेगा, जो कि ओवरी में जाकर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को क्या करेंगे, सिक्रीशन करेंगे उसका। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हार्मोन का सिक्रीशन हो जाता है, इसका मतलब फीमेल की प्यूबर्टी स्टार्ट हो चुकी है, या फिर फीमेल प्यूबर्टी हिट कर चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे हार्मोन सिक्रीट हो गए, अब यहाँ पे होता है एग का डेवलपमेंट, जो कि एग का फॉर्मेशन उसके बर्थ के टाइम पे रुका हुआ था। अब जब फीमेल प्यूबर्टी के टाइम पे आती है, तो मिलियंस ऑफ एग क्या थे, फॉर्म थे उसकी ओवरी में, बट प्यूबर्टी के स्टेज में आते आते वो एग का अमाउंट कुछ 1000 रह जाता है, लगभग 60,000 से 80,000 के बीच में। ठीक है, बाकी सारे एग्स क्या हो गए, डीजनरेट हो गए। आई बात समझ में? अब एक ओवरी में कितने हैं, 60 से लेके 80,000 एग्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें क्या होता है, हर महीने एक एग डेवलप होके उतने सारे ग्रुप में से क्या करेगा, हर एक एग बोलेगा कि चलो आज इस बार मैं फ्यूज होऊंगा। ठीक है, तो वो बाहर निकलता है, उसको फिमली कैच करती है, ले जाती है एम्पुला में। एम्पुला में क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो अगर फ्यूजन हुआ तो फीमेल क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी, क्योंकि उसके यूट्रस में क्या आ गया, जायगोट आ गया। बट अगर फ्यूजन नहीं हुआ, मान लो कोई फीमेल ने कॉपुलेट नहीं किया है, उसके वजाइनल कैनाल में स्पर्म की एंट्री नहीं हुई है, ठीक है, तब क्या होता है, तब अगर यहाँ से एग बाहर निकला, सेम प्रोसेस होती है, फीमेल उसको कैच करता है, उसको पहुँचाते हैं एम्पुला में। ठीक है, एम्पुला में पहुँच गया, उसने वहाँ पर 24 आवर्स तक का वेट किया कि कोई स्पर्म आके उसको फ्यूज करेगा। बट अगर फीमेल ने कॉपुलेट नहीं किया है, तब क्या होगा, वो एग बाहर निकल जाएगा, इसी थ्रू यूट्रस के जरिए, कैनाल के जरिए, और इस वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आफ्टर 14 डेज, जो यहाँ पे एंडोमेट्रियम वॉल थी ना, यूट्रस की तीन वॉल होती हैं, कौन कौन सी, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। उसमें सबसे अंदर की वॉल थी एंडोमेट्रियम, ये वाली। ठीक है, एंडोमेट्रियम पूरी ब्लड की वॉल बनी रहती है, ब्लड वाली वॉल। ठीक है, तो जैसी एग बाहर निकलते हैं, इनको मिलता है मैसेज विद द हेल्प ऑफ आवर हॉर्मोन्स। ये क्या करते हैं, आफ्टर 14 डेज वो हार्मोन के जरिए उसको मैसेज मिलता है कि भाई अब यहाँ पे एग नहीं है, अब आपका अब यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो वो जो एंडोमेट्रियम वॉल है, वो रैप्चर होके इसी कैनाल से बाहर निकल जाती है। और वो जब ये एंडोमेट्रियम वॉल रैप्चर होती है, तो हमारे वजाइना से ब्लड का सिक्रीशन होता है, वो लगभग चलता है आपका 3 to 4 days या फिर 3 to 5 days। ठीक है, तो जब हमारे वजाइना से ब्लड का सिक्रीशन होता है, उसे उस फेज को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज।
जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में पीरियड्स बोलते हैं, बोलते हैं ना कि हमारे पीरियड्स आने वाले हैं, पीरियड्स स्टार्ट हो गए। तो पीरियड्स का मतलब क्या है, फीमेल के वजाइना से ब्लड का सिक्रेशन हो गया, आई बात समझ में, जिसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। बट अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखो, जब कोई भी फीमेल बॉडी पहली बार प्यूबर्टी हिट करती है, मतलब जो कोई भी फीमेल बॉडी को फर्स्ट टाइम पीरियड्स होते हैं या फिर उसका फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल फेज शुरू होता है, तो उसको हम बोलते हैं मेनार्ज। ठीक है, जब कोई भी फीमेल 13 से लेकर 16 के बीच में फर्स्ट टाइम उसको पीरियड्स होते हैं या फिर फर्स्ट टाइम उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो उसे हम बोलते हैं मेनार्ज। और जब वो पीरियड्स रुक जाते हैं इन द एज ऑफ 45 से लेकर 50 के बीच में, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, आई बात समझ में। प्रोसेस पीरियड्स के स्टार्ट होने के टाइम को या फिर फर्स्ट टाइम पीरियड शो होते हैं उसको हम बोलते हैं मेनार्च, और पीरियड्स रुक जाने को हम बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो 28 या फिर 29 डेज का साइकिल है इसमें हर एक दिन में क्या होता है। ठीक है, एक दिन में एक मैच्योर होगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर फ्यूजन नहीं हुआ तो यहाँ पे वेट करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, तो हम पूरा पढ़ने वाले हैं इन तीनों फेज के अंदर पे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेती हूँ एक बार। ठीक है, अब देखो तीन फेज कौन सी थी, पहला था आपका मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा था आपका फॉलिकुलर फेज या फिर फॉलिकल फेज, नंबर थर्ड आपका ल्यूटियल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है, ब्लीडिंग, हमारे वजाइना से क्या होता है, ब्लड का सिक्रीशन होता है, तो ये चलता है आपका 3 से लेके 5 डेज तक का। ये क्यों होता है, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर, जो हमारी एंडोमेट्रियम लेयर होती है ये क्या हो जाती है, उस टाइम पे ब्रेक हो जाती है, जिस वजह से पूरा ब्लड क्या होता है हमारे वजाइना के थ्रू बाहर निकलना शुरू करता है। ठीक, अब दूसरा आपका फॉलिकुलर फेज। ठीक है, फॉलिकुलर फेज का मतलब होता है, अब थोड़ा एक बार समझना इस बात को, ये होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, जहां से क्या होगा, GnRH हार्मोन सिक्रेट हुआ है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कहां जाएगा, जाएगा हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पर, पिट्यूटरी ग्लैंड पर। ठीक है, और जैसे ही हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन सा हार्मोन मिलेगा, GnRH, वो सिक्रेट करेगा LH एंड FSH। ठीक है, LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH का मतलब है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसका मतलब कि ये फॉलिकुल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगी, जो हमारा फॉलिकल होता है, फॉलिकल का मतलब क्या है, ओवरियन फॉलिकल क्या होता है ना, जैसे हमारे पास एक एग है, तो इसी एग के बाहर पे क्या है, फॉलिकल्स लगे हुए हैं, फॉलिकल ने इसको पूरा क्या कर दिया, कवर कर दिया, मतलब जो कैविटी होती है जिसको नरिशमेंट देगी, तो इसे हम बोलते हैं ओवरियन फॉलिकल। ये क्या है, ओवरियन फॉलिकल, हर महीने ओवरी से 4 या 5 फॉलिकल बाहर को आएंगे मैच्योर होने के लिए, और उन 4-5ों में से सिर्फ एक क्या करेगा, बाद में अच्छे से डेवलप करेगा, बाकी 3-4 सारे क्या हो जाएंगे, डीजनरेट। आई बात समझ में, बहुत बार ट्विंस बन जाते हैं, ट्विंस कैसे बनते हैं कि एक ओवरी से कभी कभी दो एग बाहर निकल जाते हैं मैच्योर होके। ठीक है, तो ऐसे ट्विंस बनते हैं जो शक्ल में सेम से नहीं दिखते, जो वो इसी रीजन से बनते हैं। ठीक है, अब देखो ये आपका ओवरियन फॉलिकल होता है, जो कि सबसे पहले बनेगा प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, सबसे छोटा स्ट्रक्चर, उसके बाद डेवलप करेगा सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी, फिर लास्ट में बनता है बच्चों ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, लास्ट में बन गया आपका ये ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल इसके बाद क्या करता है, एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। इसने क्या निकाला, ईस्ट्रोजन हार्मोन निकाला। ठीक है, अब ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, यहां पर एंडोमेट्रियम वॉल को रीजनरेट करेगा, क्या करेगा, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई ना, कि एग थे यहां पे बहुत सारे, इनमें से कोई एक नहीं, इनमें से कोई 4-5 आगे बढ़ेंगे डेवलप होने के लिए, उन 4-5ों में से क्या करेगा, एक अच्छे से डेवलप होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, डिजनरेट, और वहां पे एक बड़ा सा फॉलिकल बन जाता है लास्ट में, उसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल,
जो बाद में रैप्चर होता है और एग बाहर निकलता है, फिम्बरी को देता है, उसके बाद फिम्बरी मतलब ले लेता है उसको खुद से, जो पार्ट बच गया वो होता है कॉर्पस ल्यूटियम, इसको हम क्या बोलते हैं कॉर्पस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी इसके बारे में, ठीक है। और उसके बाद जो ग्राफियन फॉलिकल होता है ये हार्मोन सेक्रेट करता है, कौन सा, ईस्ट्रोजन, जो कि क्या करता है रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई, तुम अगला पढ़ते हैं, सुनो मेरी बात। जैसे ही हमारी ओवरी में ईस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेट हो गया तो वो क्या करता है, वो चाहता है कि वही राज करे पूरा, ठीक है, ईस्ट्रोजन। तो वो जाते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, बोलते हैं भाई इन दोनों को प्रोड्यूस करना बंद करो, मैं अभी हूँ यहाँ पे, इनको बाद में निकालना, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन क्या करता है, इसके पास जाकर इन दोनों के प्रोसेस रोक देता है। तो इसके बाद ये कोई भी डेवलप नहीं होते हैं 14 डेज तक, आई बात समझ में, उसके बाद ये डेवलप नहीं होंगे, फिर क्या होगा, ठीक है। तो जब FSH और LH का सिक्रेशन बंद होता है तो ईस्ट्रोजन फुल पूरे जोर शोर से काम करता है हमारी बॉडी में, ठीक है, उसने एको डेवलप किया, यहाँ पे वॉल बनाई, पूरा काम कर लिया, ठीक है। बट जैसे ही 14th डे होता है, इन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या करता है, उसको LH और FSH चाहिए उस टाइम पे, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा सिक्रीट होते हैं LH और FSH, ठीक है। तो LH और FSH कब सिक्रीट हुए, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब हमें ओव्यूलेशन करवाना है, आई बात समझ में, ओवुलेशन अभी तक नहीं हुआ था, अभी तक सिर्फ क्या हो रहा है फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ठीक है ना, फॉलिकुलर डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद ये गया इसके पास, ग्लैंड के पास गया, तुम प्रोसेस रोक दो करके। तो LH और FSH है ये क्या करते हैं, ओव्यूलेशन करवाते हैं। ओव्यूलेशन क्या होता है, ओवरी से एग का बाहर निकलना, ठीक है, ओवरी से एग का बाहर निकलना, फिर जो मैच्योर जो ओवा होता है उसका बाहर निकलने को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो जैसे ही बाहर पे निकल गया तो यहाँ पे कौन है, फिम्बरी है, फिम्बरी ने उसको कैच किया, बट जो बचा हुआ पार्ट था उसका ग्राफियन फॉलिकल का, वो आपस में मिक्स होकर उसने क्या बना दिया, कॉर्पस ल्यूटियम, क्या बनाया, कॉर्पस ल्यूटियम। उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सुनिए एक बार अब, ठीक है। ओव्यूलेशन के बाद आता है आपका ल्यूटियल फेज, क्या आया, ल्यूटियल फेज, ठीक है। एक बार समझो, जो ल्यूटियम है इसका मतलब होता है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, ये है आपका कॉर्पस ल्यूटियम, जो कहां से निकला, अभी जो ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट था उसे हमने बोला कॉर्पस ल्यूटियम, जो क्या करेगा, दो हार्मोन को सिक्रीट करेगा, एक है आपका ईस्ट्रोजन और दूसरा है आपका प्रोजेस्ट्रोन, ठीक है। अब मुझे बताओ फंक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन क्या होता है, ईस्ट्रोजन का फंक्शन होता है कि हमारे यूट्रस में एंडोमेट्रियम वॉल को बनाना, ठीक है, और प्रोजेस्ट्रॉन का काम होता है इस वॉल को मेंटेन करना, मतलब इस वॉल को रैप्चर होने से बचाना, आई बात समझ में। तो ये काम है आपका ल्यूटियल फेस का, जिसमें क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो दो टाइप के हार्मोन अच्छे से सिक्रेट करता है, पहला आपका ईस्ट्रोजन, दूसरा आपका प्रोजेस्ट्रॉन। ईस्ट्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे एंडोमेट्रियम वॉल को बनाएगा और प्रोजेस्ट्रॉन उसको मेंटेन करेगा, आई बात समझ में। पर जब एग बाहर निकल गया तो आफ्टर 14 डे, ठीक है, 14th डे में याद रखना आपका ओव्यूलेशन कब होता है, 14th डे में, और उसके 14th डे बाद ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है ये पूरी क्या हो जाती है, रैप्चर, ये पूरी टूट जाती है, जिसके जो कि क्या होता है, जो कि लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन के चक्कर में होता है, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, इन दोनों हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को, जो कि वहां पे दोनों काम करते हैं हमारे एंडोमेट्रियम वॉल में। जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो उससे पहले हमारे यूट्रस में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी होती है, जिस वजह से आपको मैंने एक बार हार्मोन में पढ़ाया था कि फीमेल जो बॉडी होती है, अगर प्रेग्नेंट है, अगर उस फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लैक है तो तब क्या होता है उसकी बॉडी में, वो बेबी बाहर निकलना शुरू करता है, मिसगैरेज के चांसेस होते हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो वॉल है, ये अगर यही वॉल रैप्चर हो जाएगी तो यहाँ पे ना कोई इम्प्लांटेशन होगा, ना कोई यहाँ पे बेबी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यही है आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अब एक बार मैं आपको क्विक रिविजन देती हूँ, जरा सुनिए। आपकी ओवरी में हार्मोन सिक्रीट हुए विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमस ग्लैंड, यहाँ पे जो हमारे पास एग्स थे वो और डेवलप हुए 4-5, उन्हें हमने बोला ओवर एंड फॉलिकल, ये ठीक है।
उसके भी टाइप्स होते हैं, पहले प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी एंड देन ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल क्या करेगा, एग को बाहर निकाल देगा और जो पार्ट बच जाएगा उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहलाएगा। एग बाहर निकलता है 14th डे में, क्योंकि 14th डे में LH और FSH का अमाउंट बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, क्योंकि उससे पहले कौन था, उससे पहले था ईस्ट्रोजन 14th डे तक। लेकिन 14th डे में आप हमारी फीमेल बॉडी, हमारी बॉडी मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, LH और FSH सिक्रीट होता है। आपकी आपके NCERT बुक में ग्राफ दिया हुआ है, उसमें देखना कि 14th डे में वो पूरा पीक पे जा रखा है वो हार्मोन, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर एम्पुला में क्या किया, एग ने वेट किया कि वजाइना से क्या करेंगे, स्पर्म एंट्री करेंगे, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पे स्पर्म की एंट्री हो गई, ठीक है, अगर स्पर्म की एंट्री हो गई तो यहाँ पे तो जायगोट बन जाएगा, बट हमें तो मेंस्ट्रुएशन पढ़ना है ना, तो उसमें प्रेगनेंसी कोई लेन देन नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब उसने वेट किया 24 आवर्स तक का कि स्पर्म आके उसको फ्यूज करेगा, बट नहीं आया, तो वो बाहर निकलेगा इसी कैनाल के थ्रू, वजाइना के थ्रू बाहर निकल गया वो, ठीक है। तो जैसे ही एक बाहर निकलता है, बॉडी में और हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पर एंडोमेट्रियम वॉल को बनाएंगे। आफ्टर 14th डे ये वॉल भी बाहर रैप्चर होकर निकल जाएगी हमारी बॉडी से, ठीक है। तो ये था आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टार्टिंग के जब फीमेल को फर्स्ट टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं मेनार्च, जब पीरियड्स रुक जाते हैं इन द एज ऑफ 50 या फिर 45 उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज़।